एनसीसी भर्ती क्विज टेस्ट 5, 20 क्वेश्चंस, 10 मिनट्स, किसमें कितना है दम? तो डेली सुबह में 9 बजे से क्विज टेस्ट होता है, तो आप लोग समय से टेस्ट दे दिया करेंगे। जिनका स्कूल कॉलेज होता है, आप लोग स्कूल से आके प्लेलिस्ट बना दी हो एनसीसी क्विज टेस्ट नाम से, उसमें जाकर आप टेस्ट जरूर देंगे। एक क्वेश्चन के लिए बस आपको 15 सेकंड का समय मिलता है, जो कि बहुत कम होता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का टेस्ट। सभी लोग का वेलकम है तेजस चैनल में। जो लोग नए हैं, आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। फर्स्ट क्वेश्चन है, एनसीसी के झंडे में कितने रंग होते हैं? ऑप्शन है 2 रंग, बी 3 रंग, सी 4 रंग या फिर डी 5 रंग। टाइम शुरू हो चुका है, सभी लोग जल्दी से बताइएगा। और आपकी क्लास 2 टाइम सुबह शाम चलती है लाइव, सुबह में 7:30 बजे से और शाम में 8 बजे, तो आप लोग दोनों क्लास टाइम से करेंगे। चलिए फास्ट, एनसीसी के झंडे में कितने रंग होते हैं? चलिए टाइम अप। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, एनसीसी के झंडे में टोटल 3 रंग होते हैं, तो ऑप्शन बी वाले करेक्ट हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, एनसीसी में कितनी विंग होती है? ऑप्शन है 2 विंग, बी 3 विंग, सी 4 विंग या फिर डी 5 विंग। तो टाइम शुरू हो चुका है, 15 सेकंड ही टाइम मिल रहा है, ठीक है, जो कि बहुत कम होता है। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपका टाइम पास हो जाएगा, तो आप लोग जल्दी से आंसर बताएंगे। एनसीसी में कितनी विंग्स होती है? चलिए जल्दी, और 2 सेकंड बचा है मात्र। चलिए टाइम अप। तो एनसीसी में कुल 3 विंग्स होती है, मैंने आपको बता रखा है, आर्मी विंग, एयर विंग और नॉवल विंग। तो ऑप्शन बी वाले सही है, 3 विंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, एनसीसी के प्रथम निदेशक कौन थे? ऑप्शन है सैम मानेकशॉ, बी जनरल करियप्पा, सी जनरल राजेंद्र सिंह या फिर डी कर्नल जी जी वैगूर। टाइम शुरू हो चुका है, एनसीसी के प्रथम निदेशक कौन थे? आंसर सभी का परफेक्ट आना चाहिए, एनसीसी रिलेटेड क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई। चलिए जल्दी, और आप लोग फुल टेस्ट 20 क्वेश्चन का टेस्ट देंगे, ठीक है। चलिए टाइम ऑफ। तो एनसीसी के प्रथम निदेशक थे कर्नल जी जी वेबूर, तो ऑप्शन डी वाले सही है। बाकी लोग पढ़ के आइए। क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्य के शरीर में कितने तत्व होते हैं? ऑप्शन है 28 तत्व, बी 25 तत्व, सी 24 तत्व या फिर डी 20 तत्व। टाइम शुरू हो चुका है, मनुष्य के शरीर में कितने तत्व होते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, तो सभी लोग जल्दी से आंसर, और आप लोग काउंट करते रहेंगे आपका कितना सी, लास्ट में कमेंट करके बताइएगा। चलिए टाइम ऑफ। तो मनुष्य के शरीर में टोटल 24 तत्व होते हैं, यानी ऑप्शन सी वाले सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन है विराट कोहली को, बी रोहित शर्मा को, सी महेंद्र सिंह धोनी को या फिर डी ईशान किशन को। टाइम शुरू हो चुका है, चलिए सभी लोग जल्दी से बताएंगे। स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? और 2 सेकंड टाइम बचा है, तो जल्दी सभी लोग कमेंट करें। चलिए टाइम अप। तो वीवो ने विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, यानी ऑप्शन ए वाले सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, RPF का फुल फॉर्म लिखें। ऑप्शन ए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, बी रेलवे पुलिस फोर्स, सी रेंटल प्रोटेक्शन फोर्स या फिर डी रेलवे प्रोटेक्शन फाइनेंस। टाइम शुरू हो चुका है, फुल फॉर्म वाले में आप लोग को काफ़ी ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मिस्टेक होता है, बस थोड़ा सा चेंजेज होता है स्पेलिंग का। चलिए जल्दी, RPF का फुल फॉर्म। गुड जोश, चलिए टाइम अप। तो RPF का फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, वनडे मैच में 6 छक्के मारने वाले पहले बल्लेबाज का नाम लिखो। ऑप्शन ए युवराज सिंह, बी डेविड वार्नर, सी हर्षल गिब्स या फिर डी विराट कोहली। टाइम शुरू हो चुका है, चलिए जल्दी। वनडे यानी ODI मैच में 6 छक्के मारने वाले पहले बल्लेबाज का नाम बताना है, ऑप्शन आपके सामने है, सभी लोग जल्दी से आंसर बताइए। चलिए फास्ट, चलिए टाइम ऑफ हो गया। तो वनडे में 6 छक्के मारने वाले आपके पहले बल्लेबाज हर्षल गिब्स थे, जो कि अफ्रीकी बल्लेबाज थे, तो ऑप्शन सी वाले सही है। और ये सारे क्वेश्चन आपके भर्ती में पूछे गए ओरिजिनल है, ठीक है, तो आपको टेस्ट देना जरूरी है और क्लास दोनों टाइम। क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 21 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21,
ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 बी या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 21 ए में आता है। टाइम शुरू हो चुका है, इसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है, नहीं तो काफ़ी लोग इसमें गलत करते, ध्यान नहीं देते और पढ़ के नहीं आते। तो आप लोग होमवर्क पढ़ के आइएगा, जिनको होमवर्क नहीं मिलता है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन करें, मैं वहाँ पे होमवर्क सेंड करता हूँ। चलिए टाइम आप, तो सीजा का अधिकार कानून ये अनुच्छेद 21 ए में आता है, तो ऑप्शन डी वाले सही है, आर्टिकल 21 ए। क्वेश्चन नंबर 9, बांग्लादेश के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? ऑप्शन ए शेख रहाना, बी शेख हसीना, सी शेख मुजीबुर रहमान या फिर डी शेख कमल। टाइम शुरू हो चुका है, ये भी क्वेश्चन आपके न्यू भर्ती में पूछा गया है, हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश इसलिए पूछा होगा। हु इज द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश? और 2 सेकंड टाइम है, जल्दी चलिए टाइम ऑफ। तो बांग्लादेश के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री है शेख हसीना, तो ऑप्शन बी वाले सही है, शेख हसीना। क्वेश्चन नंबर 10, भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक कितनी बार युद्ध हुआ है? ऑप्शन ए 2 बार, बी 3 बार, सी 4 बार या फिर डी 5 बार। टाइम शुरू हो चुका है, जल्दी, इंडिया वर्सेज पाकिस्तान कितनी बार वार यानी फाइट हुआ इंडिया का पाकिस्तान से, चलिए जल्दी टाइम अप। तो भारत और पाकिस्तान का युद्ध अब तक 4 बार हुआ है, आपको चारों ईयर भी पता होना चाहिए, तो ऑप्शन सी वाले सही है, 4 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन है मुंबई, बी दिल्ली, सी गोवा या फिर डी जयपुर। टाइम शुरू हो चुका है, विच इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ द इंडिया, मतलब ये एरिया हम पूछ रहा, ठीक है, काफी लोग पॉपुलेशन वाला लिख देते हो, तो जब तक इसमें मेंशन नहीं होगा पॉपुलेशन, आप समझिएगा कि एरिया यानी क्षेत्रफल में पूछ रहा बड़ा। चलिए जल्दी टाइम अप। तो भारत का सबसे बड़ा शहर दिल्ली है, ठीक है, ये एरिया में पूछा था तो ध्यान रहे, तो ऑप्शन बी वाले सही है, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, CBSE का फुल फॉर्म लिखें। ऑप्शन ए सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन, बी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ऑप्शन सी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन या फिर ऑप्शन डी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंड एजुकेशन। टाइम शुरू हो चुका है, सभी लोग जल्दी से बताएं, CBSE बोर्ड होता है ना स्कूल, उसका फुल फॉर्म बताना है CBSE का, बच्चा वाला क्वेश्चन है, चलिए जल्दी फास्ट टाइम अप। CBSE का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी ऑप्शन सी वाले लोग सही है, बाकी लोग गलत हो ध्यान दे, काफी लोग ऑफ छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, 2021 टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने मेडल जीते? ओलंपिक का पूछ रहा, ऑप्शन है 7 मेडल, बी 19 मेडल, सी 10 मेडल या फिर डी 12 मेडल। टाइम शुरू हो चुका है, चलिए सभी लोग जल्दी से बताएं, 2021 टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? 7, 19, 10 या 12। फास्ट, चलिए टाइम ऑफ। तो इस बार टोक्यो ओलंपिक में भारत ने टोटल 7 मेडल अपने नाम किए, तो ऑप्शन ए वाले सही है, 7 मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है, मतलब ये कौन सा गेम खेलती है? ऑप्शन है टेबल टेनिस, बी बैडमिंटन, सी फुटबॉल या फिर डी क्रिकेट। टाइम शुरू हो चुका है, पीवी सिंधु रिलेटेड टू विच गेम, ऑप्शन आपके सामने है, तो जल्दी सभी लोग बताए, काफी लोग को ये भी नहीं पता होता है, चलिए टाइम अप हो गया। तो पीवी सिंधु बैडमिंटन खिलाड़ी है, तो ऑप्शन बी वाले केवल सही है, बाकी लोग गलत हो, बाकी लोग पढ़ के ही जिनका गलत है। क्वेश्चन नंबर 15, 1962 की लड़ाई किस किस देश के बीच हुई थी? ऑप्शन है भारत पाकिस्तान के बीच, बी भारत अमेरिका के बीच, सी पाकिस्तान चीन के बीच या फिर डी भारत चीन के बीच। टाइम शुरू हो चुका है, 1962 का जो वार हुआ था वह किन दो देशों के बीच हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है, 15 सेकंड मात्र आपको समय देता हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन पे, जो कि हमारे लिए काफ़ी आप सभी के लिए अच्छा है, बेहतर टाइमिंग के लिए, चलिए टाइम अप। तो 1962 की लड़ाई भारत और चीन के बीच हुआ था, यानी ऑप्शन डी वाले सही, इंडिया वर्सेस चाइना।
क्वेश्चन नंबर 16, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल का नाम लिखो। ऑप्शन है श्रीमती सरोजिनी नायडू, बी श्रीमती आनंदीबेन पटेल, सी श्रीमती इंदिरा गांधी या फिर डी सुषमा स्वराज। टाइम शुरू हो चुका है, ध्यान देंगे क्वेश्चन में। उत्तर प्रदेश की प्रथम पूछ रहा है, यानी हु वाज द फर्स्ट लेडी गवर्नर ऑफ यूपी। बहुत लोग प्रधानमंत्री को भी राज्यपाल बनाते हो, तो ध्यान रहे। चलिए जल्दी, टाइम अप। तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी श्रीमती सरोजिनी नायडू, जो कि भारत की भी प्रथम महिला राज्यपाल थी। तो ऑप्शन ए वाले सही है, श्रीमती सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 17, अमरनाथ मंदिर कहाँ पर है? ऑप्शन ए उत्तराखंड में, बी हिमाचल प्रदेश में, सी जम्मू कश्मीर में या फिर डी झारखंड में। टाइम शुरू हो चुका है, अमरनाथ मंदिर कहाँ पर है? तो सभी लोग जल्दी से बताइएगा, चलिए फास्ट। चलिए टाइम अप। तो अमरनाथ मंदिर जम्मू कश्मीर में है, ऑप्शन सी वाले सही है, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, AIDS एड्स का फुल फॉर्म लिखे। ऑप्शन ए एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, बी एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, सी एक्वायर्ड इम्यूनो डिजीज सिंड्रोम या फिर डी एसिडिक इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। टाइम शुरू हो चुका है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ एड्स। ऑप्शन आपके सामने है, स्पेलिंग ध्यान देना, नहीं तो इसमें तो काफी लोग ऐसे ही फंसते हो। एस दिया है, अब वी से वायरस लिखते हैं, एस से सिंड्रोम लिखना होता है, तो ध्यान रहे। चलिए टाइम ऑफ, तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो ऑप्शन बी वाले केवल सही है, बाकी सभी गलत हो। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? ऑप्शन है मासीना मेघालय में, बी कोलकाता पश्चिम बंगाल में, सी सिलचर असम में या फिर डी मुंबई महाराष्ट्र में। टाइम शुरू हो चुका है, मतलब हमारे देश भारत में सबसे ज्यादा वर्षा किस जगह पर होती है? ऑप्शन आपके सामने है, और 5 सेकंड, तो जल्दी देख रहे हैं आपको कितना फास्ट बनना पड़ेगा। चलिए टाइम अप, तब जाके आप सक्सेस होंगे। तो भारत में सबसे ज्यादा वर्षा मासीनाम, जो कि मेघालय में, वहां पर होती है। तो ऑप्शन ए वाले सही है, मासीनाम मेघालय में। लास्ट क्वेश्चन है आज का, नेपाल की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन है थिम्पू, बी ईटानगर, सी काठमांडू या फिर डी मुंबई। चलिए टाइम शुरू हो चुका है, वेयर इज द कैपिटल ऑफ नेपाल? जल्दी, बहुत लोग आप में से काठमांडू लिखेंगे और कुछ लोग थिम्पू लिखते हैं, कुछ मुंबईओ लिख देगा। चलिए टाइम अप हो गया, हालांकि मैंने इसका आंसर बता दिया था, तो ध्यान दें नेपाल की राजधानी काठमांडू ही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी वाले सही, काठमांडू। काफी लोगों ने थिम्पू भी लिखा है, तो आप लोग ध्यान दें। तो विनर कौन है आज का? 20 में 20 जिनका सही है, आप लोग हैं आज के विनर। आप सभी को कंग्रेचुलेशन, आप लोग वैसे ही पढ़ गया, ठीक है, मेहनत करें, कंटिन्यू। सिलेक्शन अभी तक अपना 100% है, बच्चे हैं आप लोग, तो आप लोग कंटिन्यू मेहनत करें। कल नेक्स्ट होगा क्विज टेस्ट 6, तो सभी लोग बढ़िया से पढ़ के आइएगा, ठीक है। और जो लोग नए हैं, आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे। और क्लास सुबह शाम दोनों टाइम, सुबह में 7:30 बजे से लाइव क्लास और शाम में 8 बजे से, ठीक है। और बाकी डेली 9 बजे क्विज टेस्ट, डेली 9 बजे ही क्विज टेस्ट होता है। जो लोग स्कूल कॉलेज जाते हैं, आप लोग स्कूल कॉलेज से आने के बाद प्लेलिस्ट में जाएंगे, NCC भर्ती क्विज टेस्ट नाम से प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पर टेस्ट देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्विज टेस्ट में, अभी के लिए इतना ही, सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।